राठ से हैं और यहाँ पर बाबा की जियारत करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी 200 रुपया किलो देखो बाबू जी ले आगे हग्गा जी जा रहा है। 200 रुपया किलो में लुटक गई जी। हसन भाई जी देखो सामने हसन भाई हैं और बिरयानी लुट चुकी है 200 रुपया किलो। यहाँ पर देखिए जमालपुर हज़रत बाबा जमाल सर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। यहाँ पर देखिए काफ़ी धूमधाम से उर्स मनाया जा रहा है टेटा जमालपुर। ये बाबा का मेन गेट है दरगाह का, देख सकते हैं आप। यहाँ से ज़ियारत करने के लिए जाते हैं और ये मेन रोड हाईवे पर है झांसी ललितपुर। ललितपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है हजरत बाबा जमाल सर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जो कि उर्स 25, 26, 27 अप्रैल में मनाया जाता है, मगर इस बार 1 महीने लेट हो गया है रमजानों की वजह से। तो इसलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं अंदर और अंदर दिखाते हैं कि करामाती दरगाह बाबा का क्या करामत है और कितने साल से बाबा यहां पर रुके हुए हैं। तो हम आपको दिखाएंगे और वो बावड़ी भी यहां पर दिखाएंगे जिसे हाईवे बनते समय तोड़ने की कोशिश की गई थी, मगर वो बावड़ी नहीं टूटी थी। ये बाबा की करामत है और ये मेन गेट है, इससे हम अंदर जाएंगे जो कि मैंने आपको दिखाया बाहर से। तो यहाँ से देख सकते हैं और काफ़ी ये दुकान भी लगी हुई है, यहाँ पे दुकान लगी हुई है बहुत शानदार, कलाम पाक की कुछ भी यहाँ पर ख़रीद सकते हैं, रुमाल वगैरह। और इनकी दुकान ललितपुर में भी लगती है। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ख़रीदने को मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। ये पूरा एड्रेस है, आप देख सकते हैं दुकान का नाम दिया गया है और पूरा पता दिया गया है एड्रेस। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और इस भाई की दुकान है और ये भाई देख सकते हैं आप, और इसको आपने देखा होगा सरनसा बाबा की दरगाह पर परमानेंट दुकान लगती है बाबा सरनसा की दरगाह पर। तो इस साइड में वो कुआ है और देखिए यहाँ पर लगी हुई है फूल चादर की दुकान। तो बाबा का तबर्रुक यहाँ पर लगा हुआ है और देख सकते हैं आप अंदर ले जा सकते हैं, यहाँ पर चादर भी है। और देखिए हम चलते हैं आपको कुआ की तरफ ले करके, वो जो कुआ हमने बताया है यहाँ पे, और आपको दरगाह भी दिखाएंगे ऊपर चल के। और ये भाई देखिए अपने ललितपुर से आया भाई, और ये दिखाएंगे हम आपको वो कुआ, जो कि कुआ देखिए बहुत ही पुराना है हाईवे की तोड़। देखिए स्टाफ के चाय पी रहा है यहाँ पर रईस भाई, और हम आपको दिखा रहे हैं दरगाह। देखिए यहाँ से फिर ऊपर की तरफ लेके चलेंगे, यहाँ पे तबर्रुक बढ़ चुका है जर्दा, भगवान खाली हो चुके हैं। और यहाँ पर ढाबे पर देखिए ढाबा पर चाय पी रहा है, मुझे भी आई एक चाय भाई की तरफ से। अब भाई देखिए यहाँ पर आ चुके हैं और ललितपुर से, तो कुछ कहना चाहेंगे आज और उसका मौका है बाबा का। अच्छा चलो कव्वाली सुनते हैं वहाँ पे बैठ के। अच्छू भाई मिल चुके हैं हमारे, अच्छू भाई घूम रहे हैं
तो ज़ियारत हो गई आपकी? ज़ियारत हो गई यार, बहुत भीड़ है यार, घुस नहीं पा रहे। बहुत भीड़ है काफ़ी, क्या है घुस नहीं पा रहे थे हम लोग। पिछले साल से ज़्यादा भीड़ है इस बार। मिलते हैं, चलो कब बार। और भैया भी, भैया टोपी कहाँ है तुम्हारी? छोटा हीरो। कहाँ से हैं आप? राट, राट पनवाड़ी महुआ। देखो चचा राट से हैं और यहाँ पर बाबा की ज़ियारत करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं बेशक बाबा ठीक करेंगे। देखिए बाबा के पास आशा लेकर आए हैं। घुटनों में दर्द है, पैरों में लगी हैं, चादर की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए झांसी से राट पनवाड़ी महोबा से मैंने बताया है, लैतपुर से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर आते हैं। देखिए और हम चलते हैं दरगाह की तरफ, तो काफ़ी भीड़ है अभी। और यहाँ पर देखिए इस बार कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर। मिल चुके हैं यहाँ पर ललितपुर के बहुत से लोग। यहाँ पर ज़्यादातर ललितपुर के लोग भी बहुत आते हैं क्योंकि ललितपुर बहुत ही पास है, नज़दीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, नदीम भाई भी मिल चुके हैं और कव्वाली सुनने के लिए आए हैं। नदीम भाई, छोटू भाई भी आ गया। देखिए यहाँ पर भाई ऊपर कर रहा है यार। देखिए अब हम दरगाह की तरफ चलते हैं, तो दरगाह देख सकते हैं आप। यहाँ से हम दरगाह की ज़ियारत करवाते हैं आपके लिए। हज़रत बाबा जमाल सर रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह है, बहुत ही शानदार। देखिए सजाया गया है इसके लिए, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, और काफ़ी भीड़ है। देखिए कुछ लोग तो यहाँ से लौट करके जा रहे हैं क्योंकि भीड़ के मारे घुस नहीं पा रहे अंदर। तो फुर्सत में कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद चलते हैं ज़ियारत करने के लिए। देखिए देखिए पीछे की साइड में मज़ार के बगल से यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मस्जिद है, खूबसूरत सी मस्जिद भी है यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ऊपर की तरफ देखिए अभी इंतज़ाम किया गया है ये। तीन सेट लगाया गया है यहाँ पर, और पीछे की साथ साइड में तालाब भी है यहाँ पर। ये ललितपुर झांसी और जमालपुर की यहाँ पर काफ़ी सारी लोकल की पब्लिक है। देखिए ग्राउंड जो है खचाखच भरा हुआ है, बहुत ही शानदार। तो ये भीड़ आप देख सकते हैं, पैर रखने को जगह नहीं है यहाँ पे। और हम चलते हैं अभी गुलाम हबीब पेंटर के जो पोते आए हैं यहाँ पर कव्वाल, तो वो भी हम उनकी कव्वाली आपको सुनवाएंगे। पहले हम आपको यहाँ की भीड़ और पब्लिक दिखा देते हैं। देखिए बच्चे भी काफ़ी, बहुत ही आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि खुली छत है, यहाँ पर बाबा को पसंद नहीं था कि उनके ऊपर छत डाली जाए, वो खुले में रहना चाहते थे मतलब, तो इसलिए यहाँ पर छत का इंतज़ाम नहीं किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी शानदार उसका और खुशी का माहौल है यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है यहाँ पर भी, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर उर्स की सुहानी घड़ी को मनाया जा रहा है। देखिए हमारे भाईजान की दुकान लगी हुई है यहाँ पर, देख सकते हैं चादर की दुकान लगी हुई है यहाँ पर। देखिए भाईजान को प्यास लग जाएगी यहाँ पर, सही है भाईजान। और ये सदनसा बाबा की दरगाह के पीछे रहते हैं और इनकी चादर की दुकान हर साल यहीं पर फिक्स है, हर साल यहीं पर मिलते हैं ये। देख सकते हैं एक जूती है यहाँ पर, सैंडल है रखी हुई है, बहुत ही शानदार कम रेट में है। खिलौने मिल जाएंगे बच्चों के, देखिए काफ़ी बहुत ही अच्छी ये कार रखी है, मर्सरीज रखी हुई है यहाँ पर। देखिए बच्चों के बहुत सारे खिलौने यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर भीड़ भी है, चाचा लगे हुए हैं लैतपुर से आए हैं। और ये भीड़ देख रहे हैं, ग्राउंड देख रहे हैं, अब खचाखच भरा हुआ है। और हम चलते हैं आगे की तरफ, तो आपको कंगन भी यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कंगन लगे हुए हैं, बहुत ही एक से, देखिए कितना चमकदार कंगन है, एक से कंगन यहाँ पर 100 रुपये में, 60 रुपये में, 50 रुपये में। देखिए 50 रुपये में आपको कंगन मिल रहा है, एक से एक वेराइटी यहाँ पर 50 रुपये में कंगन। देखिए
और हम चलते हैं अभी ऊपर ले करके। और यहाँ पर देखिए मंगलसूत्र और चैन भी काफ़ी शानदार, अभी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर तो भाई की कंगन की दुकान है लगी हुई यहाँ पर। लाइट और भोपू, यहाँ पर भोपू मौजूद है। देखिए हॉर्न बहुत ही, और यहाँ पर बंदूकें भी रखी हुई है, AK-47 रखी हुई है यहाँ पर देखिए। बहुत ही खिलौने और काम की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं देखिए, बहुत ही अच्छे रेट में कम दाम में मिल जाती है यहाँ पर। सामने स्टेज है, कव्वाली चल रही है पूरा, और यहाँ पर देख सकते हैं एक से एक हर माल आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार शानदार माल है यहाँ पर, हर माल 30 रुपये हर माल है, अलग अलग रेट में यहाँ पर मिल जाएगा देखिए। धागा देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिला, रंग बिरंगे धागे बहुत ही शानदार तरीके के यहाँ पर धागे हैं, एक से एक वैरायटी है देखिए, काले लाल हरे पीले। कड़े लेते हुए और भाभी जी भी शॉपिंग कर रही हैं यहाँ पर देखिए, शॉपिंग करा दी। ये शानदार शानदार चश्मा है, मैं भी खरीदने वाला हूँ यहाँ पर चश्मा। पहले मैं पूरी दुकान दिखा दूँ यहाँ पर देखिए, एक से एक वैरायटी यहाँ पर चश्मे की रखी हुई है, बहुत ही शानदार शानदार वॉच भी है यहाँ पर, कैप भी रखा हुआ है वहाँ पर, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। ये शानदार शानदार चश्मा है, मैं भी ख़रीदने वाला हूँ यहाँ पर चश्मा। पहले मैं पूरी दुकान दिखा दूँ यहाँ पर देखिए, एक से एक वैरायटी यहाँ पर चश्मे की रखी हुई है, बहुत ही शानदार शानदार वॉच भी है यहाँ पर, कैप भी रखा हुआ है वहाँ पे, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। देखिए मैंने चश्मा ख़रीदा है ये वाला, ये है कांच का, कांच के लेंस इसमें लगे हुए हैं, तो ये वाला सेलेक्ट किया है मैंने। एक और दूसरा वाला भी मैं देख रहा हूँ, वो भी मैंने सेलेक्ट किया है। हमारे भाई ने, भाई नाम का है सोनू कुशवाहा, सोनू कुशवाहा कितने हैं, जमालीपुर का है भाई, लोकल ही का है, और भाई की पसंद हमने ली है। बहुत बहुत थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। फ़ोटो शूट की दुकान है, बहुत ही शानदार देख सकते हैं आप, यहाँ पर तुरंत मैं फ़ोटो शूट करके दे रहा हूँ भाई, झूले के साथ, हीरो के साथ, किसी के साथ, हाँ, और 30 रुपीज़ में फ़ोटो लगा लगा दे रहे हैं भाई, तुरंत के तुरंत प्रिंट बना के दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और बहुत ही अच्छी गजब की सीनरी यहाँ पर लगी हुई है, तो ये दुकान का एड्रेस है, और ये भाई को देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी फ़ोटो शूट करवा सकता है यहाँ पर भाई के पास देखिए। और बहुत ही शानदार शानदार तरीके यहाँ पर देखिए, गार्डन और लगा हुआ है, और भाई भाई और सीनरी लगी हुई है, ब्लॉग बहुत शानदार देखिए, कव्वाली लग रही है। कप प्लेटों की दुकान पे यहाँ पे लगी हुई है, कप प्लेट भी लगी हुई है देखिए, बहुत ही बढ़ रहा है, और उसे यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है देखिए, बहुत ही शानदार है। चुके हमारे अशफाक भाई और जावेद भाई यहाँ पे देखिए, और हमारा छोटा भाई देखिए, भतीजा यहाँ पर। जावेद भाई कब आए थे भाई? अभी अभी देखिए पब्लिक चली आ रही है, और पूरे ललितपुर के बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि लोकल की पब्लिक पूरी ललितपुर में मिलते हैं। जावेद भाई प्यारी यहाँ पर, कितने की है भाई? कितने? 60 रुपए की एक गुड़िया है, बहुत ही प्यारी है देखिए, 60 रुपीज़ है, 70 रुपीज़ है यहाँ पर देख सकते हैं, हर माल है 60 रुपीज़, 70 रुपीज़ का हर माल है यहाँ पर। चश्मा है, वॉच है, तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ही शानदार ये खिलौने हैं बच्चों के, बहुत ही मेला बहुत ही शानदार हो गया है जमालपुर का, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दुकानें काफ़ी लगी हुई हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया देखिए यहाँ पर गर्ल्स लेडी, बहुत ही शानदार यहाँ पर देख सकते हैं आप, और हर चीज़ यहाँ पर मेले में मिलने वाली है, तो हम आपको दिखा देते हैं दुकानें यहाँ पर। भाई देखो, अरे भाई हीरो का भाई मिल गया, हीरो
यहाँ पे एक से एक दुकान है और हर चीज़ यहाँ पर। बहुत ही शानदार ये मेला होने वाला है भाई। और हमारा किलो देखो बाबू जी ले आगे मक्का जी जा रहा है 200 रुपया किलो में लुटक गई। हसन भाई दे देखो सामने हसन भाई हैं और बिरयानी लुट चुकी है 200 रुपया किलो। 200 रुपया किलो शरीफ भाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पर भीड़ देखो काफ़ी जमालपुर हजरत बाबा जमाल सर रहमतुल्लाह की दरगाह। और इमरान भाई आ चुके हैं, इमरान भाई आ चुके हैं होटल वाले। देखो 200 रुपये किलो यानी खत्म हो चुकी है। अब चलते हैं स्टेज की तरफ। बिरयानी लुट गई और यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर बता रहा हूँ शाकिर अली। नहीं मैं ग्राउंड
हाईवे। मेला लगे हुए हैं, बच्चे मस्ती करने में देखिए एंजॉय कर रहे हैं बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से। तो काफी बहुत ज्यादा इसमें इस बार बहुत ही शानदार उर्स भरा गया है। देखिए यहाँ पर दो दो तीन तीन प्रकार के तो बलून यहाँ पर लगे हुए वाले बच्चों को खेलने वाले देखिए, बहुत ही मस्ती करते हुए बच्चे हैं यहाँ पर। जाए तो हाई भी आ गए और असबाग भाई फिर से मिल गया और जाहिद भाई भी यहाँ पर खड़े हैं देखिए और मस्ती करते हुए बच्चे देखिए। और हमारे गोलू भाई, तो गोलू भाई कैसा लग रहा है यहाँ पर, कुछ कहना चाहेंगे आज की खुशी के मौके पर? बहुत ज्यादा कहो इस बार सबसे ज्यादा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर और भीड़ बहुत ज्यादा है पब्लिक, हर साल से इस बार बहुत ज्यादा भीड़ है। और जो बच्चों के जो झूले वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो काम करवाया जो सचिव ने यहाँ पर वो भी बहुत शानदार है भाई। देखिए पूरी बटालियन लेके आए लंगड़ सादिक, पूरी बटालियन लेके आए सादिक भाई। तो बच्चे कहाँ हैं? जे हैं बच्चे, देखिए झूल कर आए हैं।